बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सूरत हाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मीडिया पर्संस एंकर पर्सन से मुलाकात की। कुछ बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की और कुछ ऑन द रिकॉर्ड की, और ये मुलाकात बिल्कुल हंगामी बुनियादों पर हुई, अचानक हुई, और क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ। और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मैसेज क्या दिया और किसको दिया और वो करना क्या चाहते हैं, इनफैक्ट ये है सूरत हाल। और तीन चार चीज़ें अहम तरीन इस वक्त हो रही हैं, बहुत ही सनसनी फैल गई है। एक तो बशीर मेमन साबिक डीजी एफआईए, ये कौन थे, कहाँ से आए, इनको कौन लेके आया, किसके ख़ास आदमी हैं, और बशीर मेमन ने अचानक क्यों सारी गुफ्तगू की, अचानक आए और एक इंटरव्यू बाकायदा तौर पे दिया, एक नहीं दो दिए। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के लिए जो एंकर पर्सन पसंद किए वो भी उनकी अपनी चॉइस थी, बाकी एंकर पर्सन उनको बुलाते रहे, इनवाइट करते रहे अपने टीवी चैनल्स पे, अपने प्रोग्राम्स पे, लेकिन बशीर मेमन साहब ने उनको लिफ्ट नहीं करवाई। पहले तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या कहा, वो भी एक सनसनीखेज चीज़ें हैं, लेकिन पहले ज़रा ये देख लें कि बशीर मेमन साहब की टाइमिंग्स, पहले टाइमिंग देख लें, टाइमिंग्स क्या है। सूरत हाल ये है कि एक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का केस था, और जैसे ही उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर हुई और उन पर तमाम तर कार्रवाई रोक दी गई, न सिर्फ कार्रवाई रोक दी गई, पहले पुराना ऑर्डर भी रिवर्स हो गया नज़रसानी में, और जो मेजॉरिटी पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ थी वो मेजॉरिटी काजी फ़ायज़ ईसा के हक में आ गई। एफबीआर ने जितनी कार्रवाई की थी वो सारी की सारी कार्रवाई को कहा गया कि जैसे कि हुई ही नहीं, और जो रिपोर्ट्स एफबीआर ने तैयार की वो इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी किसी भी जगह पर, और उन तहकीकात के नतीजे में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और फिर एक और ऑर्डर पास किया, वो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी रोक दिया गया, यानी चैप्टर क्लोज ये कर दिया गया। इस चैप्टर के क्लोज होने के बाद अब बशीर मेमन साहब आए, बशीर मेमन साहब ने आके और बिल्कुल ऐसे तरह जैसे चौधरी एतज़ाज़ अहसन के अल्फाज में मुस्तार ले लेता हूँ, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि वो तो एक तोते की तरह बोल रहे थे, कि पहले से शायद उनको कुछ बताया गया था, और वो एक मजबूत गवाह, और उन्होंने कहा कि ये तो शरीफ फैमिली को अब आना चाहिए कि बशीर मेमन ने जो कुछ कहा उसी पे इस्तगासा दायर कर देना चाहिए और वो इनोसेंट करार पाएंगे, तो किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को, बशीर मेमन साहब को अडॉप्ट करना चाहिए। चौधरी एतज़ाज़ अहसन साहब ने ये क्यों कहा, उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब बहुत सारी बातें जानते थे। बशीर मेमन साहब सिंध से ताल्लुक़ है, पीएसपी पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ उनका, सिंध से ताल्लुक़, और अच्छी ज़िम्मेदार फैमिली हैं, और वहाँ से नवाज शरीफ साहब उनको ले कर आए, और इसलिए ले कर आए कि बशीर मेमन साहब के बारे में पता था कि उनकी टसल है जरदारी एंड भुट्टो फैमिली से, इसलिए उनको उन्होंने मुंतखब किया। नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की बशीर मेमन साहब से जब वो वज़ीर आज़म थे, और उनको पहले आईजी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लगाया, ग्रेड 22 भी गालिबन उन्हीं की ज़िंदगी में ही मिला, यानी कि उन्हीं की सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, जब वो वज़ीर आज़म थे उन्हीं की, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इनको प्रमोट किया, आईजी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लगाया, और उसके बाद डीजी एफआईए लगाया। उनकी अगली पोस्टिंग जो थी वो थी डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, लेकिन वो फिर पूरी नहीं हो सकी। तो वहाँ पे डीजी एफआईए के तौर पे बशीर मेमन साहब ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया वो नवाज शरीफ साहब ने ही यकीनन टास्क दिया था, वो था
तहकीकात करना ओमनी ग्रुप, जिसमें इस वक्त भुट्टो फैमिली, जरदारी फैमिली और उनके फ्रेंड एंड फैमिली सारे के सारे मुकदमात भुगत रहे हैं। कुछ जेल में हैं, कुछ जेलों से निकल आए हैं, कुछ जमानतों पे हैं, कोई रेफरेंस चल रहे हैं, कोई प्ली बारगेन चल रहा है। तो ये बशीर महमूद साहब का मामला, तो ये इनका बैकग्राउंड, ये पोस्टिंग्स थी। उसके बाद अब वो आए, उन्होंने आपने देख लिया, उन्होंने ख़ास तौर पर बाकायदा तौर पर नाम लेके ये कहा कि ये मुस्लिम लीग नवाज के लोगों का कहा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, शहजाद अकबर साहब ने, फ़रोग नसीम साहब ने, पीपल्स पार्टी की एक लिस्ट बयान की, खुर्शीद शाह साहब और नफीसा शाह साहब। अब कुछ बातें हमें भी पता है और बशीर महमूद साहब से हमारी भी न्याजमंदी रही, मुलाकातें रहीं, वो खैर ऑफ द रिकॉर्ड हैं उनको, तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें भी पता है कि कौन कहाँ से खेलता है और कौन किसके कहने पे खेला। तो जरदारी एंड भुट्टो फैमिली के साथ बशीर महमूद साहब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते थे, बिल्कुल यूं जनाब टसल थी ज़बरदस्त किस्म की। तो लिहाजा ये हुआ। उसके बाद उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ यूसुफ़ साहब को भी अपनी गुफ्तगू में ले आए। अब वो मलबा भी सारे का सारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ यूसुफ़ साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस, ये सारा का सारा मलबा अब उन्होंने डाल दिया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा हुकूमत पे, फ़रोग नसीम साहब पे, शहजाद अकबर साहब पे। तो ये पहले से ही, यानी कि कोई आम आदमी भी उसको देखे, गौर से देखी वो सारी गुफ्तगू, तो वो एक एक नाम लेके बता रहे हैं कि ये कहा, ये कहा, ये कहा, वो कहा, वो कहा, ये कहा, ये कहा, इसके खिलाफ करो, इसके खिलाफ करो। तो खैर ये चीज़ थी। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, हुआ ये है कि कुछ चीज़ें मिली और वो खदशा ये है कि कहीं कोई दोबारा कार्रवाई ना शुरू हो जाए, नए रेफरेंस की तरफ ना चला जाए मामला। पुराना मामला तो अलग, वो तो हो गया ख़त्म, कहीं नया रेफरेंस ना फाइल हो जाए। तो इसलिए अब ये भी आने वाले दिनों में आएगा कि क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सारे मामला जो हैं वो हो गए हैं सेट असाइड, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कुछ मैनेज की गई थी, ये मेलाफाइडी थी, तो कोई एक्टिविटी उस बुनियाद पे कोई शुरू करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मीडिया में कोई ऑफिसर आके बात करते, तो वो उन्होंने कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आते हैं, और क्योंकि इल्ज़ाम, फ़रोग नसीम साहब टीवी पे आके बात कर चुके, शहजाद अकबर टीवी पे आके बात कर चुके, तो वो तो कर चुके हैं, और आज़म ख़ान अभी तक नहीं बोले, लेकिन उनकी तरफ से भी शहजाद अकबर साहब ने भी और फ़रोग नसीम लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी बता दिया। अब रह गए थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एंकर्स पर्सन को बुलाया, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, और उसमें बशीर महमूद साहब के मामले में कैटेगोरिकली बता दिया कि जनाब काबीना में ये बात हुई कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और आर्टिकल 6 के तहत होनी चाहिए। वो इसलिए उन्होंने कहा कि एक डिफेंस मिनिस्टर है, वज़ीर दिफा है एक मुल्क का, और वो भी जौहरी ताकत है मुल्क, उस मुल्क का वज़ीर दिफा बाहर से बिला वजह उसको कोई तनख्वाह क्यों दे रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पे है। बाकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कभी भी डिस्कस नहीं हुआ बशीर महमूद के साथ, और उन्होंने कहा कि ये लगव है, झूठ है, बेबुनियाद है, जो भी सख्त से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की वज़ीर आज़म ने वो बता दिया। उसके बाद जहांगीर ख़ान तरीन और ग्रुप, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी, मैंने और ना ही हकूमत ने डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA को हटाया है, वही तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ हमने एक और सीनियर ऑफिसर अबू बकर खुदा बख्श को लगा दिया है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है FIA के, लिहाजा उसमें तो मैंने पीछे नहीं हटना। और जब उनसे बात की गई कि ये जो प्रेशर ग्रुप 30 लोग आए थे, 30, 32, 35, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जाती है जाए, इलेक्शन करवाने हैं, तहरीक आदम एतमाद लानी है, जो मर्जी कर लें, मैं अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटूंगा।
ये बात हो गई। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो फैसला आया, के हक में जो फैसला आया, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की वो काफ़ी सख्त थी। मायूस भी थे और गुस्से में भी थे, और गुस्से में इस सेंस में थे कि अगर किसी को पकड़ना ही नहीं, अगर इस तरह के फैसले आने हैं तो फिर इस मुल्क में आप अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं, और फर्दर वो क्या करना चाह रहे हैं इसके बारे में भी उन्होंने ज़ुबान पे तो नहीं लाए, लेकिन कुछ हैं। ये सारा पोर्शन उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उसके खिलाफ जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके गवर्नमेंट के खिलाफ जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उस सारे पोर्शन को उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रखा। लेकिन मैं आपको लुबे लुबाब बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे, नाराज़ भी थे, फ्रस्ट्रेटेड भी थे, और इससे क्या कहना चाहिए कि कुछ और वो कहते हैं कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका है, जिसको भी पकड़ते हैं पूरे का पूरा कबीला और गवर्नमेंट को हाईजैक कर लिया जाता है, स्टेट को ब्लैकमेल किया जाता है और अपनी ताकत इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दूसरा TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जैसे हैंडल किया गया उस पर भी वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होती, उस पर भी उसको भी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रखा। तो काफ़ी ज़्यादा वो नज़र आए क्या कहना चाहिए फर्दर जो कुछ प्लानिंग, बज़ाहिर उन्होंने कहा गया कि बज़ाहिर वो पुरेतमाद थे, बज़ाहिर पुरेतमाद थे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गुफ्तगू जितनी भी हुई दो तीन मौजूआत पे, उस पे वो हरगिज़ हरगिज़ हैप्पी नहीं थे। और जब आप खुश ना हों और उस पे नाराज़ हों तो फिर मामला आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या है। इस फिर खबरें आ रही हैं और FIA के इल्ज़ाम पर अब कानूनी नोटिस भी शुरू हो गया है, बशीर मेमन साहब को नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं, जनाब भेज रहे हैं शहजाद अकबर साहब, फ़रोग नसीम साहब, और वज़ीर आज़म क्या कहते हैं ये अब वज़ीर आज़म ने अभी फ़ैसला करना है। और फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस वज़ीर आज़म ने नहीं बनवाया, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। एक और भी आपको खबर दूंगा, थोड़ी सी मैच्योर हो रही है, जैसे ही मैच्योर होती है तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। एक और जाते जाते एक और भी खबर ले लें, और वो है कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वज़ीर आज़म कुछ जल्दी में लग रहे हैं, तो बलूचिस्तान में पहुँचे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने शाहराहों की तामीर के मंसूबों का संग बुनियाद रखा और ख़िताब किया, और उसमें असद उमर, ज़ुबैदा जलाल, मुराद सईद, डिप्टी स्पीकर, ये सब थे। अब वो चारों सूबों में जा रहे हैं, और चारों सूबों में जा के गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने जाना है, तो सब जगह पे विज़िट करके नए नए तरक्याती मंसूबे जो हैं उनका वो ऐलान कर रहे हैं। और इसी तरीके से इसके साथ साथ एक और काम भी उन्होंने किया है, और वो ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, उनके लिए जी वो बहुत ज़्यादा कीन है, और उसकी वजह यह है कि डिजिटल रोशन डिजिटल अकाउंट तो जो था वो बड़ा कामयाब रहा, और उसमें अब पोर्टल पे जो वज़ीर आज़म का एक ऑनलाइन शिकायतनामा है, शिकायत का रजिस्टर, उस पर जो कुछ चीज़ें मौसूल हुई तो सऊदी अरब से काफ़ी शिकायतें मौसूल हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने भेजी कि वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है, और जो हमारा सफारतकार हैं वो पाकिस्तानियों को हेल्प आउट नहीं करते, जिसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तकरीबन 6 सफारतकार अहलकारों को अवामी शिकायत पर वतन वापस तलब कर लिया है और उनको उनके ओहदों से हटा दिया है। और ये 7 मई से पहले पहले ये मैसेज है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो अरबों डॉलर पाकिस्तान को भेज रहे हैं और पाकिस्तान के ज़रे मुबादला के ज़खायर में बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ मैं हर वक्त सुनूंगा और ये नहीं हो सकता कि उनकी आवाज़ ना सुनी जाए। बाकी पीपल्स पार्टी, PDM,
वापसी की ख्वाहिशमंद इत्तेहाद के दरवाज़े खुले हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक मैसेज भेजा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जनाब आप वापस आ जाएं पीडीएम में, और पीडीएम में बैठ के बातें करते हैं और ईद के बाद नई प्लानिंग करते हैं। ये है मामला। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान बराह रास्त भी कुछ रबते करने की कोशिश की जा रही है, इनडायरेक्ट रबते हो चुके हैं, पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू है। और बाकी उन्होंने इस्तीफे एक बार फिर उन्होंने कहा है मौलाना ने कि हमने इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए, मंजूर नहीं किए, वो तो सिर्फ़ एक सेक्रेटरी इतलात की ज़रूरत थी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को, वो लगा दिया है, तो अभी तक हम आपके मुंतज़िर हैं। तो ईद के बाद देखते हैं मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये कुछ ख़बरें थीं जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।